চক্রে ব্যূহ রচনা রচে গুরু দণ্ডে মহারাজ অভিমন্যু লড়নে গয়া রখনে ধর্ম কী লাজ लाए महावीर अंजनी के लाला पहराए अपना लेओ लगाए महाभारत की करू लेखनी सब ग्रंथों की शीश झुकाए भूल चूक जो भी हो जावे सो सब मिलके करो सहाय शुरू करूं संवाद यहां से गुरु चरणों में ध्यान लगाए शुरू करूं संवाद यहां से मुनिवर आप तो हमारे कुल पूज्य हैं। मुनिवर बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखता हूँ। हे जन्मजय, जब भी आप हमारे पास आते हैं कुछ न कुछ पूछने की लालसा रखते हैं। कहिए क्या पूछना चाहते हैं? जान सब कुछ सुनना चाहूं प्रभु और बतला दीजे कृपा निधान जन्मे जे की सुनकर वाणी बोले श्री व्यास धर ध्यान अब मैं कहता हूं जो सुनिए जो कुछ हुआ समर मैदान एक समय श्री कृष्ण चंद्र जी चंद्र लोक कीने प्रस्थान चंद्रदेव ने श्री कृष्ण का खूब किया आदर सम्मान कहने लागे चंद्रदेव से अपने कान्हे बना विधान अपने कान्हे बना विधान हे चंद्रदेव, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोलिए प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए। वचन दिया प्रभु? प्रभु, 16 वर्ष की आयु तक मुझे आपका पुत्र बुध चाहिए। मेरा पुत्र बुध? अरे उसके तो सौभाग्य है जो आपकी शरण में जा रहा है। मैंने इसी समय अपना पुत्र बुध 16 वर्ष के लिए आपको दिया महाराज। करने पूरी मन की आस गोद सुभद्रा की भरने को किया उधर से उसका वास छोटी बहन कृष्ण चंद्र की जाने जो पढ़ता इतिहास यद कुल की है राजकुमारी ब्याही गई अर्जुन के साथ बहन सुभद्रा एक दिन बोली भैया सुनो द्वारका नाथ राखी लेकर आई हूँ मैं आज बधा लो मेरे हाथ बढ़ा दिया है हाथ कृष्ण ने राखी बांध रही कई भांत बढ़ा दिया है हाथ कृष्ण ने Thank you.
अरे सुभद्रे, क्या पूरी की पूरी राखी मुझे ही बांधोगी? दाऊ भैया को नहीं बांधोगी? बांधूंगी ना, लेकिन आज मैंने प्रण किया है कि मैं 16 की 16 राखी अपने कृष्ण भैया को बांधूंगी। अब लाइए मेरा उपहार। आज मैं अपनी प्यारी बहन को उपहार में एक मंत्र दे रहा हूँ। बहन सुभद्रा के कानों में चंद्र पुत्री का करके ध्यान, फूंक दिया है कृष्ण चंद्र ने जिससे होए एक संतान। महाभारत पूरा करने को जिसको मांग लिया भगवान, हंसी खुशी दिन बीतन लागे अर्जुन संग सुभद्रा जान। चंद्र पुत्र है गर्व समाना मन में अपने आनंद मान, एक दिन पारत से जा बोली रानी सुभद्रा करके ध्यान। ये क्या बना रहे हो स्वामी बतला दीजे धर के ध्यान, अर्जुन कहने लगे रानी से ए है चक्र व्यू का ज्ञान, ए है चक्र व्यू का ज्ञान। इसी कैसे तोड़ा जाता है स्वामी? आप इस समय मेरे पुत्र को जन्म देने वाली हैं और आपको इस समय युद्ध की बातें नहीं करना चाहिए, इससे बालक की बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्वामी, मैं वीर पुत्र की माता बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वीरता की बातें जानना चाहती हूँ। यदि ऐसी बात है सुभद्रा, तो आप सुनिए। चक्रव्यूह भेदन करने का भरने बतलाते हैं हाल, छह द्वारे तक सुनी सुभद्रा। दर्द अचानक हुआ तत्काल, सबकी नजर लगी द्वारे में। पांचों भैया है खुशियाल, दासी दौड़ते आई भवन से। बोली सुंदर बात विशाल, रानी सुभद्रा ने जन्मा है। राजन एक सुंदर सा लाल, छोटे छोटे पैर है उसके। घुंघरीले जिसके हैं बाल, प्यारे हैं रतनारे नैना। कोमल कोमल जिनके गाल, कुंती माता ले बलैया। ममता से हो रही निहाल, कुंती मैया ले बलैया। सुभद्रा, आपने पांडव वंश को चलाने के लिए एक हीरा दिया बेटा नकुल। जी माते। दास दासियों को उपहार बांटा जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए और निर्धनों को दान दिया जाए। जो आज्ञा माते, ऐसा ही होगा। क्यों द्रौपदी, ठीक रहेगा ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं माते। लाल सुभद्रा का दिन दूजा, रात चौगिना बढ़ता जाए। 6 महीने के हुए कुंवर जी, घुटनों के बल दौड़ लगाए। पसनी करने का दिन आया, कृष्ण हाथ से खीर चटाए। व्यास मुनि ने बना कुंडली, सब भाइयों को दई सुनाए। नाम रखा अभिमन्यु जिसका, जिसको सुत सब गए हर्षाए। एक साल के भय अभिमन्यु, धनुष बाण को हाथ खिलाए। खेल खिलौना बिना खेले, युद्ध कला में ध्यान लगाए। 5 बरस के भय अभिमन्यु, चंद्र कला सी चमक दिखाए। प्रणाम पितामह।
आयुष्मान भव पुत्र, आओ अभिमन्यु मेरी गोद में बैठो। देखिए ना पितामह, मुझे कोई धनुष बाण नहीं देता। धनुष बाण? धनुष बाण का आप क्या करेंगे? मैं चलाना सीखूंगा पितामह। ओ, तो आप धनुष बाण चलाना चाहते हैं? मैं कल ही आपको गुरुकुल भेज देता हूँ, ठीक है ना? गुरुकुल को चले पितामह, मनु को लेकर खास कुछ दूरी के मंजिल तय कर। गुरु दौड़ के पहुँचे पास, गुरु दौड़ से बोले भीष्मा, अब मनु की है अभिलाष, बनना चाहे सुष्ट धनुषधर। पूरब कर दो इसकी आस, सुनकर वचन गुरु जी बोले, इस पर कृपा करे नंदलाल, वही सिखा सकते हैं सब कुछ। हे गंगा सुत समझो हाल, पूरी द्वारका इसे भिजा दो, जहाँ पर रहते हैं गोपाल, कुछ दिन गुरुकुल में ही रहने दो। बोले गंगा जी के लाल, कुछ दिन गुरुकुल में ही रहने दो। अभिमन्यु, हम तुम्हें तुम्हारे मामा के पास शस्त्र विद्या सीखने के लिए अवश्य भेजेंगे। जी पितामह। गुरुकुल में रह के अभिमन्यु शास्त्रों का करते हैं ज्ञान, सभी शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञानी गुणी बने गुणवान। युवा अवस्था भई कुंवर की, अर्जुन सम लगता बलवान। उत्तरा के संग ब्याहि रचाया, पांडव कुल का धर के ध्यान। हस्तनापुर के राजभवन में रहते दोनों आनंदमान। सास ससुर की करती सेवा, सेवा से होवे कल्याण। अभिमन्यु सबको है प्यारा, लाल लाड़ा सबका प्राण। श्री कृष्ण है जिनके मामा, जाने जिनको सकल जान, जाने जिनको सकल जान। हे भगवान व्यास, हमारे पूर्वज वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में किस तरह फंसे गए और उन्हें कैसे मारा गया, कृपया आप मुझे बताइए भगवान। हे राजन, तुम्हारे दादा अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन जैसे ही थे। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह बाड़ों की शैया में लेटे थे, तब सेना का संचालन गुरु द्रोणाचार्य के सर रखा गया। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, उस समय कौरव सेना में खलबली मच गई। कौरव दल में छाई निराशा, व्याकुल दुर्योधन भग जाए, मारी गई हमारी सेना और भगदत्त मरा है हाय। पांचों पांडव जी रहे अभी तक, झंडा समर झूम रहे राय, गुरुवर तुमने एक न मारे। बिरथा ताज लिए बंधवाय, तुमको प्यारे है पांडु सुत, तुमसे तीर भिदा नहीं जाए, नहीं लड़ना तो ना ही कर दो। ताज करण को दो बंधवाए, लड़े लड़ाई बल कुवत से, पांचों पांडव मार गिराए, दुर्योधन की सुन के बाणी। गुरु दौड़ गए क्रोध में आए, दुर्योधन की सुन के बाणी।
कुमार दुर्योधन, तुम्हें मेरे पुरुषार्थ पर बड़ा संदेह हो रहा है। मैंने ही पांडव की कितनी सेना नष्ट की है और उन्हें भी मारूंगा। अरे मारने की बात छोड़िए गुरुदेव, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो महाराज युधिष्ठिर को बंदी बनाइए। और वो बंदी बन गए गुरुदेव तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। गुरुदेव, युवराज दुर्योधन, कल समरभूमि में देखना मैं किस तरह युधिष्ठिर को बंदी बनाता हूँ। किसी तरह भी हो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाओ। दुर्योधन तुम इतना कर लो, जीत हमारी पूरी पाओ। दौड़ गुरु की सुनकर वाणी, दुर्योधन के बदले भाव। तीन वीर से कहे दुर्योधन, अर्जुन संग तुम लड़ने जाओ। बड़े सवेरे उठ तीनों ने अर्जुन को दीना ललकार। गर्व भरी बोली सुन करके अर्जुन निकले ले हथियार। संग में चल दिए कृष्ण कन्हैया, रथ पे दोनों भाई असवार। रथ पे दोनों भाई असवार। के भागते कहा नीच, आओ सामना करो अर्जुन का। आओ अर्जुन, आओ, आज मैं तुझे मार कर ही जल ग्रहण करूंगा। गुरुदेव, देख रहे हैं आप कि रणभूमि से हमारे वीर किस तरह से अर्जुन को ले जा रहे हैं। कुमार दुर्योधन, अब ये पत्र लो और धर्मराज के पास पहुंचा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। सैनिक लेके चला सदेशा धर्मराज के पहुंचा पास। शीश झुका के बोला सैनिक, मैं हूँ दुर्योधन का दास। पत्र भेजाया दौड़ गुरु ने, धर्मराज जी तुमको हुआ है वापिस। सैनिक मन में कर विश्वास, धर्मराज ने पत्र खोला। पढ़ते पढ़ते भाई निराश, गिरने लगे नैनों से आंसू। ऊपर को भर आई सांस, प्राण पांडवों के जाएंगे। सब सेना की होगी नाश, कहा गया केशव कन्हैया। जो रण का जाने इतिहास, कहा गया सब एक कन्हैया। बड़े भैया, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र पर? बड़े भैया, अनुज भीम, आज अर्जुन और श्री कृष्ण को ना जानकर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिसे अर्जुन के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। बड़े भैया, कोई तो उपाय होगा चक्रव्यूह तोड़ने का। मैंने कहा ना भीम, इसे अर्जुन के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तोड़ूंगा इस चक्रव्यूह को महाराज। हाँ महाराज, मैं तोड़ूंगा इस चक्रव्यूह को। नहीं पुत्र, चक्रव्यूह तोड़ना आसान काम नहीं है। महाराज, मैंने अपनी माँ के गर्भ में 6 द्वारों को भेदना तो सीख लिया था, मगर मुझे 7वें द्वार का ज्ञान नहीं है। महाराज, मैं तोड़ूंगा 7वां द्वार। धर्मराज के सुनकर वाणी, बोले सुभद्रा जी के लाल। जितना माँ के गर्भ में सीखा, चक्रव्यूह को करता हाल। 6 दरवाजे तोड़े मैं दूंगा, अमन बोल रहा कर ख्याल। मगर 7वां द्वार न जानू, सुन के दुष्ट हुए निहाल। भीम गर
गरज के बोला वाणी, मैं तोड़ूंगा सतवा द्वार। पिता के बदले अभिमन्यु ने उठा लिया सेना का भार। चले द्रौपदी से मिलने को अभिमन्यु सूरवीर सरदार। माता कह के गिरे चरण में अभिमन्यु मन में धीरज धार। अभिमन्यु मन में धीरज धार। माता को मेरा शत शत प्रणाम। दिग्विजय हो पुत्र। माते, पूज्य गुरु द्रोणाचार्य ने आज चक्रव्यूह की रचना की है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ सकूं। माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ अभिमन्यु, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चले प्रणाम करे अभिमन्यु, उतरा रानी पहुंचे पास। हाल सुनाने लागे उत्तरा सुन के भाई निराश। कहने लगी पति अपने से, स्वामी मान लियो करतार, उम्र नहीं अब समर करन की। कहना मान लियो भरतार, असगुन भारी होए भोर से। आंख दाहिनी फर के हमार, कागा बोलाया धीराथ को। चूड़ी चटकी टूटा हार, गिरी छिपकली पीठ में मेरे। असगुन का कुछ करो विचार, मान जाओ पिया आज न जाओ। स्वामी मेरे प्राण आधार, मान जाओ पिया आज न जाओ। आप नहीं जा सकते, जरा सोचिए तो। आप अपनी माँ के अकेले लाल हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, और इस वक्त जो मेरी कोख में आपका अंश पल रहा है उसका क्या होगा स्वामी। हे प्रिय, जरा ये भी तो सोचो कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी शेरों की तरह युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं, और मैं कायरों की तरह घर में घुस कर बैठूं, यह कदापि नहीं हो सकता। बहुत मनाया है उत्तराने, पर ना मनाया अभिमन्यु वीर। रोती रह गई उत्तरा देखो, चला निकल कर बन के पीर। धर्मराज के पहुंचे सामने, कहने लगा बधा के धीर। दुश्मन एक रहे ना बाकी, जिनको मारे लगे ना तीर। भीम नकुल सहदेव के संग में, धृष्ट धूम चल दयो रणधीर। धर्मराज को करके बीच में, हाथन खेच लई शमशीर। चार देश की सेना संग में, है बेचैन धरे ना धीर। दोनों दल है खड़े सामने, एक दूजे पे खेचे तीर। एक दूजे पे खेचे तीर। पूज्य गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम। अभिमन्यु, मेरा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे कुलगुरु, मैं ब्रह्म हत्या का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सामने से हट जाएं। अभिमन्यु, इस द्वार को पार करने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। आक्रमण! हर हर महादेव! आक्रमण! दोनों दल टकरा गए, देखो अपने अपने सीना तान। गुरु दौड़ के ऊपर सुन लो, अभिमन्यु मारे बारा बाण। टूटे बाण लगे छाती में, गुरु
निशान अभिमन्यु ने पाकर मुका पहला द्वार तोड़ दो जान घुस गौ चक्रव्यूह के अंदर जिसकी छोटी सी है जान पांडव दल को जयद्रथ रोके जिसको मिला अजब वरदान पांडव दल को जयद्रथ रोके भोलेनाथ की आज पांडवों की सेना आगे नहीं बढ़ेगी। अरे जयद्रथ आ युद्ध कर, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। अरे भीम, युद्ध करना वीरों का काम है, तू घर में जाके भोजन पका। भोजन? अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो जयद्रथ? आओ सामना करो, अभी पता चल जाएगा किसमें कितना बल है। चक्रव्यूह जितने कौरव दल के योद्धा जरा सामने टिकते ना कृपाचार और अश्वत्थामा बृहदुल कर्ण गए घबराए दुर्योधन संशकनी मामा रह गए देखो मोह सोबाए गुरु द्रोण से आकर बोले छे दरवाजे टूटे जाए अभिमन्यु अर्जुन का बेटा जिसका बार न खाली जाए सबकी छाती तक तक मारे उससे कोई बचा है ना कोई तरकीब निकालो गुरुवर नहीं तो जान बचेगी ना नहीं तो जान बचेगी ना कह रहे थे कि हमारे इस चक्रियों को सिवाय अर्जुन के कोई नहीं नष्ट कर सकता मगर इस किशोर ने हमारी एक तिहाई सेना नष्ट कर दी अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें बताएं हम क्या करें मैं भी इस बात से चिंतित हूँ युवराज दुर्योधन चिंता करने से जीत नहीं होती आचार्य आज से पहले ऐसी दुर्गत मेरी कभी नहीं हुई यदि आज आपने इसे नहीं रोका तो समस्त कौरव सेना का विनाश हो जाएगा सुन लो कान लगा सब आज पहले रथ से ही निकलो सब तोर धनुष की दियो काट कवच काट दो बाहु बल के जिससे शक्ति अधिक विराट अगर न ऐसा हो पाया तो उसे सके ना कोई मार तीन लोक में कोई न ऐसा झेल सके जो उसका वार सोच समझ कर पहुंच सामने अभिमन्यु की रही ललकार वीर बांकुरा सुत अर्जुन का रण में करता मारा मार वीर बांकुरा सुत अर्जुन का इनके धनुष की डोर काट दे जो आज्ञा युवराज और हे कृतवर्मा आप इनके रथ के घोड़े को मोल डालें जो आज्ञा युवराज रथ से ही न हुआ अभिमन्यु ढाल हाथ लई है तलवार पैदल रण में मचल मचल के सबकी गर्दन रहा उतार सात वीर हो करके इकट्ठे अभिमन्यु को रही है मार गुरु द्रोण ने बाण चला के जिसकी तोड़ दई तलवार कर्ण वीर ने
सरकार। मर्द नहीं कोई ना मर्द है सारे, एक अकेले को रही मार। चक्र उठा अभिमन्यु ने है दौड़ गुरु पे की ना बार। सात वीर ने चक्र को काटा, जिसके टुकड़े दूर हजार, जिसके टुकड़े दूर हजार। आचार्य जी, क्या इसी को धर्म युद्ध कहते हैं? एक सूरमा पर सात सात वीर मिलकर वार कर रहे हैं, क्या यही नियम बनाए हैं आपने इस युद्ध के? और क्या यही सिखाया है आपने अपने शिष्यों को? धिक्कार है आपके पुरुषत्व पर, धिक्कार है। हे अभिमन्यु, हमें क्या तुमसे रणनीति सीखनी होगी? देख क्या रहे हो वीरो, आक्रमण करो। टूट पड़े हैं ऐसे जैसे विध मास पर टूटे आए, सात वीर ने मिलकर देखो अभिमन्यु को मारा जाए। सूरज ढलने लगा गगन से, सबने दीना संत बजाए, वापस सेना भाई कौरव की। भीमसेन ने देखा आए, लहू लुहान वीर अभिमन्यु, पड़ा कहा ना जाए, किलप किलप के रोता भीमा। धीरज जिसको बंधता ना, उठा लास अभिमन्यु बेटा की, और शिविर में पहुंचाया द्रौपदी और सुभद्रा जी को। जल्दी कोई लाओ बुलाए, द्रौपदी और सुभद्रा जी को। मारा अपने अभिमन्यु को उन बहरियों ने। बेटा अभिमन्यु, उठ मेरे लाल, तेरे पिता को क्या जवाब दूंगा मैं? अभिमन्यु मेरे पुत्र, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मेरे पुत्र। बेटा बेटा खाली, कहां निकल गए अब मनु वीर। द्रौपदी रोए सिसक सिसक कर, अरे विधाता बना बेपीर। छाई उदासी पांडव दल में, सबके नैनों में है नीर। रोती रोती आई सुभद्रा, पिया पिया कह रही पुकार। मैंने मना किया था स्वामी, पर ना मेरी सुनी एक बार। मैं छोड़ कर चले अकेले, काहे मेरे प्राण आधार। जीवन के मोरी नाव खबैया, काहे खेच लई पतवार, काहे खेच लई पतवार। बेटा अभिमन्यु, अब मुझे माँ कह के कौन बुलाएगा? जरा अपनी पत्नी की तरफ देख, तरह की तरफ देख, तेरे वियोग में क्या हाल बना लिया है। अरे कोई तो इससे कहो, एक बार मुझे माता कह के पुकारे। भैया नकुल, तुम्हारी बात तो ये मानता था, इससे कहो मुझे माँ कह के बुलाए। अभिमन्यु मेरे लाल, भाई जीवन की दिल की हिलकी नहीं समाए। आज कुंवर धरनी में लेटा, बोले से भी उठता ना, द्रौपदी और सुभद्रा दोनों।
उठाए भीम नकुल से देओ रहे हैं। दोनों रानी को समझाए हमसे रूठ गया अभिमन्यु, इसीलिए तो सुनता ना धर्मराज सर पटक पटक के। रो रो छाती पीटत जाए वहां युद्ध से नर नारायण, शिविर तरफ को वापस आए पारथ कहते श्री कृष्ण से। स्वामी अश्वन होते काय पारथ कहते श्री कृष्ण से। हे स्वामी, आज न जाने क्यों मेरा दायां अंग फड़क रहा है, और आज हमारे शिविर की ओर अंधेरा क्यों छाया हुआ है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घटी? नहीं नहीं, आज मेरा मन भी बहुत व्याकुल है। चलो पार्थ, शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। दिल का टूट गया अभिमान, जैसे ही नजर पड़ी बेटे पे धरनी गिर धनुष और बाण। गिरा पहाड़ी आज छाती में का विधना का बना विधान, नैनन नीर बहे अर्जुन के पांडव दल का झुका निशान। श्री कृष्ण बोले अर्जुन से पार्थ भूल गए काए ज्ञान, जो गीता है तुम्हें सुनाई प्रथम समर में तुमको जान। धीरज दिल में धरो जरा तुम पार्थ मेरा ये कहना मान, पार्थ मेरा ये कहना मान। पार्थ, जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, जो आएगा सो जाएगा। हे स्वामी, कोई किसी का नहीं जगत में मोह माया की प्रीत है। स्वामी, बैरियों ने मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय मेरे पुत्र का वध किया है, अब मैं उन शत्रुओं को नहीं छोड़ूंगा प्रभु, नहीं छोड़ूंगा। कसम आपकी है नंदलाल, धरनी उलट पुलट हो जाए, चाहे रूठ जाए महाकाल, मगर जिद रथ बचे न जिंदो। मेरे हाथों से नंदलाल दिन उगत से दिन डूबट तक, अगर सकूना उसको मार धनुष बाण के साथ चलूंगा। मैं अग्नि खुद हाथ बार पार्थ बचन सुनत के कन्हैया, घबरा गए हरि अवतार बिन सोचे बिन समझे पार्थ ने। कैसा प्रलीना है धार बिन सोचे बिन समझे पार्थ ने। कल सभी लोग उस मैदान में जयद्रथ की रक्षा करेंगे, कर्ण अर्जुन दुर्योधन सभी लोग मिलकर रक्षा करेंगे। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, शायद अब मुझे अर्जुन को उठाना पड़ेगा। चला जाए युद्ध जीतना है तो पार्थ मानो मेरी बात, चलो आ...
अभी कैलाशपुरी को जहाँ पर बैठे भोलेनाथ, वो चाहे तो हो सकती है मन की मनसा सुनो सनाथ। नर नारायण दोनों चल दे शिव शंकर की करके आस, अपनी योग शक्ति से कन्हैया पल भर में पहुँचे कैलाश। जहाँ विराजे वो घरदानी जिनको सब कुछ है आवास, जान गए प्रभु अंतर्यामी किस कारण से आई खास, किस कारण से आई खास। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। हे प्रभु, आप आंखें खोलिए, आप हमारे संकटों का निवारण कीजिए प्रभु। अरे स्वामी, आप कहिए, पृथ्वी लोक छोड़कर आज कैलाश पर्वत पर कैसे आगमन हुआ? हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है भोलेनाथ? इसीलिए प्रभु हम आए हैं, बतला दीजिए कोई विधान, विजय हमारी हो भारत में, पार्थ की बन जाए ईशान, सुनकर श्री कृष्ण की वाणी। बोले शिव शंकर भगवान, जहां आप तहां विजय निश्चय, के सब सुनिए कृपा निधान, आरती कुंड के तंगे सामने, देखो पार्थ धनुष और बाण, वो जल्दी से तुम ले आओ, उसमें शक्ति बड़ी महान, जिस पे चल जाएगी शक्ति, उसकी नहीं बचेगी जान, जिस पर चल जाएगी शक्ति। हे पार्थ, इस पृथ्वी लोक पर एक कुंड है जिसमें उस धनुष बाण की शक्तियों की रक्षा दो शेषनाथ कर रहे हैं। उन शक्तियों को पहले आप प्रणाम करिएगा, उसके बाद उसे ग्रहण करिएगा, वही आप लोगों की रक्षा करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। अर्जुन और श्री कृष्ण चले हैं अपने मन ही मन हरि साय, अमृत कुंड के पहुंचे सामने, नांगों को दिया शीश झुकाए, करी प्रार्थना हाथ जोड़ के, बोले पाठ करो हे सहाय। दोनों नांग अदृश्य हुए हैं, अर्जुन लीने शक्ति उठाए, श्री कृष्ण अर्जुन भय वापस और शिविर में पहुंचे आए। जब यह खबर लगी जयद्रथ को, कल ए जान बचेगी ना, रोतक लपता पहुंचा देखो, दुर्योधन के सन्मुख आए, कहने लगा अब राज बचा लो, कल ये जान बचेगी ना, कल ये जान बचेगी ना। ये क्या कह रहे हो जयद्रथ तुम? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, अर्जुन ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ठान ली है। कैसी प्रतिज्ञा जयद्रथ? महाराज, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि कल सूर्य अस्त से पहले वो मेरे प्राणों की बलि चढ़ा देगा महाराज, और अगर ऐसा वो ना कर पाया तो वह धनुष बाण सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। जयद्रथ, तुम तनिक भी चिंता ना करो। हंसी देख के दुर्योधन की जयद्रथ करने लगा।
यहाँ जान पर मेरी फनी है। दुर्योधन हंस रहा या पार दोनों गए गुरु द्रोण पास में। हाल सुना दीना सब हाल सुन के बातें दुर्योधन की। गुरु द्रोण ने किया विचार जियत हमारे अर्जुन की क्या। तुझको कोई सके ना मार कल में करूं कमल बिहु रचना। जिसको ना जाने संसार तेरी रक्षा का सुन जयद्रथ। महारथी छेलेंगे भार फिर अर्जुन को जलना ही होगा। अगर सका ना तुझको मार फिर अर्जुन को जलना ही होगा। बड़े भैया प्रणाम। प्रणाम कन्हैया, इस संकट की घड़ी में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। बड़े भैया, संकट की घड़ी में भी वीर पुरुष रोते नहीं मुस्कुराते हैं। और ये प्रतिज्ञा अर्जुन की ही नहीं मेरी भी है। सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का सर धड़ से अलग होगा। बड़े भैया, पंच जन फूका कृष्ण ने युद्ध छिड़ा गया है घमसान। हाँक रहे रथ बैठ कन्हैया अर्जुन चला रहे हैं बाण। सूर वीर कई भागे देख के कई तो हो गए हैं खेमान। दशा देख कर कौरव दल की गुरु दौड़ गौ सन्मुखयान। कहने लागे हैं अर्जुन से हमसे युद्ध करो बलवान। उनके पार्थ कहने लागा गुरु का मैं करता सम्मान। इसीलिए मैं प्रभु आप पर नहीं चलाना चाहूं बाण। नहीं चलाना चाहूं बाण। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका शिष्य आपके पुत्र के समान हूँ और संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। मेरा लक्ष्य सिर्फ जयद्रथ है, अतएव आप मेरे रास्ते से हट जाइए प्रभु। बड़ा दिया रथ श्री कृष्ण ने अर्जुन लीने शीस झुकाए। श्रुता युद्ध आ गया सामने और पारथ से कहा सुना युद्ध करो तुम मेरे संग में। बल कुवत लेओ अजमाए श्रुता युद्ध है वरुण का बेटा। कररासा नदी है जिसकी माँ वरुण देव ने श्रुता युद्ध को। एक गदा गई थी हर साल जब तक गदा रहे भुजबल में तब तक हार होएगी ना। इस कारण अभिमान था भारी और अर्जुन से गौ टकराए। अर्जुन ने एक बाण मार के रथ विहीन कर दीना जाए। अर्जुन ने एक बाण मार के पार्थ, तुमने इसे रथ से तो हीन कर दिया है, परंतु इसे मारना इतना आसान नहीं है। फिर ये कैसे मरेगा प्रभु? जब तक इसके हाथ में ये गदा रहेगी ये इतनी आसानी से मारा नहीं जाएगा। ये इसके पिता का वरदान है। फिर इसकी मृत्यु कैसे होगी प्रभु? इसकी मृत्यु इसी के गदा से होगी। वो कैसे प्रभु? लागे सुनते जाओ कुंती लाल।
रखियो ख्याल, इस पर गदा अगर चल जाए बन जाएगी इसकी काल, लौट गदा फिर इसे लगेगी मृत्यु हो जाए तत्काल, समझ सोच के लड़ना इससे नहीं तो मैं ना सकूं संभाल। श्रता युद्ध ने उस समय पे गदा चलाई है तत्काल, बार बचाया है अर्जुन ने गदा लगी जाके गोपाल, लगकर गदा भाई है वापस श्रता युद्ध की बन गई काल, श्रता युद्ध की बन गई काल। पुत्र मारा गया गुरुदेव, अर्जुन को रोकना बहुत जरूरी है गुरुदेव, वरना अर्जुन हमारी सारी सेना को नष्ट कर देगा। गुरुदेव युवराज दुर्योधन, अर्जुन को बंदी बनाना मेरा काम नहीं, मेरा काम है युधिष्ठिर को बंदी बनाना, और इस वक्त वो मेरे सामने खड़ा है। पर गुरुदेव अर्जुन को रोकना बहुत जरूरी हो गया है गुरुदेव, तुम जाकर रोको उसे। मैं नहीं रोक सकता गुरुदेव। ये लो युवराज, ये भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ कवच, इसे पहन लो और जाकर रोको उसे। जो आज्ञा गुरुदेव। कवच पहन करके दुर्योधन अर्जुन सन्मुख रह ललकार, नजर पड़ी है श्री कृष्ण की, कृष्ण समझ गए सारा सार, कहने लगे वीर पारथ से, इस पर ना करना तुम वार, पहले रथ को नष्ट करो तुम, है पार्थ मेरा विचार, फिर हाथों की उंगली बांधो, उठा सके ना फिर हथियार, जैसा कहा किया है वैसा, दुर्योधन भाव में लाचार, रणभूमि से भागा उल्टा, मच गई सब में हाहाकार, पांचे रथ है श्री कृष्ण का, अर्जुन मार रहे ललकार, पांचे रथ है श्री कृष्ण का। कहा नरलज पापी, आ सामना कर। रुको पार्थ, इसका पीछा करने से महत्वपूर्ण काम है जयद्रथ को मारना। आप सही कह रहे हैं प्रभु, जयद्रथ की ओर चलिए। दल के लड़े सूरमा, युद्ध हो रहा है घमसान, यहाँ इदुष्टुर है चिंता में, बोले शक्ति से है जान, देखा जाकर तुम अर्जुन को, मुझको चिंता लगी महान, कहीं मुसीबत में न फंसा हो, जाओ मेरा कहना मान, चले शक्ति आज्ञा पा करके, शीस झुका कर किया सम्मान, गुरु दोण ने आरस्ते में जिसको रोक लिया है यान, मगर शक्ति चतुराई से है, आगे निकल गया है जान, आगे निकल गया है जान। भैया भीम, मुझे अर्जुन की बड़ी चिंता हो रही है, मैंने सारथी को पता लगाने भेजा मगर वो भी नहीं आया। बड़े भैया, आप तनिक भी चिंता ना करें, जब तक केशव उनके रथ पर सवार है, पार्थ को कोई छू भी नहीं सकता। मगर मेरा मन नहीं मान रहा, तुम जाकर पता लगाओ। जो आज्ञा बड़े भैया। दस्त दम, अब बड़े भैया की सुरक्षा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आप तनिक भी चिंता ना कीजिए भीम,
आप निश्चिंत होकर जाइए। चला भीम है पता लगाने, गदा हाथ में लई उठाए, बढ़ते ही जाता है आगे को, चिंता किसी बात की ना आए, गुरु दौड़े आ गए सामने, और भीम से कही सुनाए, बिना लड़े तुम हमसे भिम्मा, आगे कदम बढ़ाना ना, एक दूजे पे दोनों योद्धा, अपनी ताकत रहे अजमाए, आठ बार रथ सहित भीम ने, गुरु दौड़ को फेंका जाए, खड़े सूरमा देख रहे हैं, कोई भीम दे सकता ना, आगे बढ़ते भीम सेन, पारथ से बोले हैं जाए, आगे बढ़ते भीम सेन ने। बो रहा जिसकी रक्षा अश्वत्थामा, ब्रह्मसेन, कृपाचार्य, शल्य और कर्ण कर रहे हैं। रुको पार्थ, हमें पांचों वीरों को अलग अलग करना पड़ेगा, तभी हम जयद्रथ को मार सकते हैं और सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चल पड़े हैं। शल्य वीर बलवान, करण वीर को 32 वीर है, छाती छल्ली भाई है जान, ब्रह्मसेन को 3 मार के आगे बढ़ गए सीना तान, श्री कृष्ण जी कहने लागे अर्जुन मेरा कहना मान, मैं अपनी माया के बल से सूर्यदेव को रोकू जान, तभी जयद्रथ आए बाहर मन में अपने आनंद मान, श्री कृष्ण ने करके माया ढांक दिया है देखो भान, ढांक दिया है देखो भान। देखो पार्थ, वो रहा जयद्रथ, कैसा सीना तान के घूम रहा है। अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा खंडित हो गई। अर्जुन, प्रतिज्ञा के मुताबिक तुम्हें अग्नि में जलना होगा। हाँ, तुम्हें जलना होगा अर्जुन। पार्थ, ज्यादा समय मत गवाओ, मार दो जयद्रथ को बाण, वो खड़ा है तुम्हारे सामने। जो आज्ञा प्रभु। कहने लगे कृष्ण अर्जुन से, पार्थ सुनो मान विश्वास, जयद्रथ शीश गिरे ना धरनी, नहीं तो खुद की होगी नाश, है वरदान पिता का उसको, जानू मैं इसका इतिहास, जो भी काटे इसके शीश को, शीश कटे तो होए विनाश, इसीलिए तुम शीश काट के उसे गगन में रख लटकाए, समंत पंचक क्षेत्र में इसके, पिता तपस्या करते जाए, शीश ले जाकर उसकी गोद में, सुन लो पार्थ देव गिराए, मारा बाण लगा जयद्रथ को, शीश गगन में रह मल राय, मारा बाण लगा जयद्रथ को। Oh!
पिता ने धरनी गिरा रोक ना पाए। फूटे सिर है पिता पुत्र के कला कन्हैया दई दिखलाए। कौरव दल में शोक हुआ है पांडव दल के खुशी मनाए। पूरी भाई प्रतिज्ञा देखो जो भारत ने कीनी आए। व्यास महाभारत को पढ़ के हमने आल्हा दिए बनाए। रहत कठौंदा और कटंगा ठाकुर चरणन शीस झुकाए। हे बे नाम कृष्ण की लीला संजो सबको रही सुनाए। संजो सबको रही सुनाए।